सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और पाजी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक ठाक। पाजी मैं 2 मिनटां लई तुहाडे कोल मोटरसाइकिल खलारनी सी। मैं चलना पेशाब करन ते मेहरबानी होएगी। ठीक है साहब जी, कुछ नहीं, तुसीं कड़ी कर दिओ, करो पेशाब। मेहरबानी, कोई गल नहीं, इत्थे खलार दिओ तुसीं। ब्रेक लाओ यार, मोटरसाइकिल 2 महीने हो गया गवाची है, इंद्राज भी कराई है, पुलिस वाले ने दसया है, वो मोटरसाइकिल ही अपनी ही निकला है। मैं क्या ना पता करने पूछने आपा नु। चल यार देखिए सही केड़ा है। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। आ भाई मोटरसाइकिल तो साडी है, तुसी कित्थों लई फिरते? केड़ी मोटरसाइकिल साहब जी? हां वाली थोड़ी देर होने गया यार, इधर नू गया पेशाब करन गया जे। नहीं असि पुलिस नू गल करने भाई, असि थाने अंदर यार होने। ये बंदा गया मेरे को मोटरसाइकिल खड़ी करके गया। खड़ी करके तू है कौन बचा तेरी मोटरसाइकिल? यार मैं इथों दा रहण वाला बंदा। नहीं भाई ये मोटरसाइकिल है साडी, साडे को कॉपी वगैरह। यार तुहाडे कोल की सबूत होने? आंदा बंदा होने, पुछ लेने ओनू किंदी मोटरसाइकिल। यार घंटा हो गया बंदा नहीं आया, कित्थे यार मोटरसाइकिल? तू चोरी करके यार आ जांदा, तेनू क्या इत्थे आ जांदा यार? की दिमाग खराब करन रिया यार तू? यार मैं तेनू आना पिया हुने आ जांदा यार, घंटा कित्थे हो गया हुने? जे तो बंदा जांदा पिया यार, मोटरसाइकिल कीती तू चोरी? यार जिंदी हैगी तुहाडे हुने सामने, इत्थे बंदा आ जाएगा। चलो अब भाई यार कित्थे आ, डेढ़ घंटा हो गया यार इंतजार करन रिया मैं। हुने आ जांदा यार, हुने आ जांदा। किदो आ जांदा यार, दस ना मेनू, मैं घंटा हो गया इंतजार करन रिया हुंदा। कोई हाल नहीं यार, नेकी करन दा किसे ते नेकी करो, दस बुराई जे मिलदा सिला यार। ओ बंदे ने इत्थे खलार के गया, मैं ओनू क्या चल खलार दे यार। यार बाकी तेनू नेकी पुलिस वाले दे यार, चला टोर ओथे ते मोटरसाइकिल भी लेके जाने, तेनू भी लेके जाने। वैसे थल्ले उतर के रेड़ लाना। चल यार। आ किधर जाना है यार? थाने चल यार, ओथे चलो यार थाने चलो, नेकी करन दा हाल ही नहीं रह गया यार, किसे बंदे दे नेकी कर दियो। नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपके सामने एक सबक आमोज बातें की हैं कि एक शख्स जो है वो खड़ी करके बाइक किसी के सामने चला जाता है और कहता है कि मैं 2 मिनट के बाद वापस आऊंगा और आपसे ले लूंगा। इसी दौरान नाजरीन वो उसके असल मालिक आए, उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया, वो जिस शख्स के पास खड़ा हुआ था। तो नाजरीन और सामीन, जब भी आपके सामने कभी ऐसा वाक़या हो तो आपने हरगज़ किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करनी, क्योंकि आप उस शख्स को नहीं जानते जिसकी चीज़ की आप हिफाजत करना चाह रहे हैं। आप इससे बड़ा नुकसान उठा सकते हैं।